सो हेलो फैमिली एंड गुड मॉर्निंग। सो आज हम करने वाले हैं गाड़ी को सर्विसिंग। और ये मेरा दोस्त है, ये पकड़ रहा कैमरा, देखो। अरे ये देख, दिखाने भी नहीं दे रहा। ठीक है ठीक है, मत दिखा भाई, इसको प्रीवियस वीडियो में दिखा। मैं आपको फोटो डाल दूंगा वहाँ पे, इसको प्रीवियस वीडियो में दिखा दूंगा आपको। ठीक, सो फैमिली ये है दोस्त की गाड़ी, ब्लैक कलर की यूनिकॉर्न। सो इसको अपन सर्विसिंग करने वाले हैं, मतलब ऑयल चेंज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं, लाते हैं गाड़ी अंदर और करते हैं ऑयल चेंज। और ये मैं पहली बार कर रहा हूँ यूनिकॉर्न का। बुलेट का तो क्या आपने देखा होगा, यूनिकॉर्न का पहली बार कर रहा हूँ, यूनिकॉर्न 160। ठीक है कॉर्न, चलो। सो फैमिली अपन ने लगा दी मैं स्टैंड पे। और इसका जो नट है, ये प्लेट है, मतलब इंजन को कुछ लगने को नहीं होना करके इसने लगाई। ठीक है, तो ये जो है ये नट है, आपको दिख रहा है बराबर, ये नट है ये वाला, ये खोलना है अपने को और फिर यहाँ से इंजन ऑयल खराब वाला निकल जाएगा। ठीक है, सो फैमिली आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए हम घर पर ही ऑयल चेंज कर रहे हैं इसका। ठीक है, घर पर ही सर्विसिंग हो जाएंगी, वॉशिंग भी कर लेंगे। ठीक है, वॉशिंग नहीं करेंगे भाई, हम कंजूस है थोड़ा, तो हम सिर्फ ऑयल चेंज करेंगे, लॉकडाउन चलने के कारण हम घर पे कर रहे हैं। तो आइए अभी करते हैं, नट खोलते हैं, बैठते हैं नीचे। सो फैमिली अभी ले लिया है ये टोपल मराठी में। ठीक है, सो ये अभी देखते हैं, ये पाना तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो नट के लिए। सो दूसरा पाना देखते हैं, अपने पास अगर होगा तो उसको करेंगे अपन, नहीं होगा तो अपने को जाना पड़ेगा मैकेनिकल के शॉप में और वहाँ से पाना लाने पड़ेगा। ठीक है, ये भी ढीला हो रहा है भैया। ये हो गया टाइट, लेकिन ये प्लेट के कारण हम खोल नहीं पा रहे हैं, क्या क्या लगा लेते हैं लोग, जरा तो गेम बजाना पड़ेगा। खुल रहा है, थोड़ा ढीला हो रहा है, लेकिन ये जो पाना है इसमें फिट नहीं आ रहा दोस्तों, तो शायद अपने को टी लग सकती है। जोर लगा के हईशा, ये नट ढीला हो गया है, अभी इसे गर्म होंगी गाड़ी और इंजन ऑयल भी गर्म होगा, तो ये थोड़ा सा काळजी करना, मतलब ध्यान रखना कि उसमें डायरेक्ट हाथ मत डालना क्योंकि गर्म हो सकता है। ठीक है, निकालते हैं अभी, तो भी मैं डालना तो पड़ेगा ही। बहुत गर्म होगा इंजन ऑयल। बहुत गर्म है दोस्तों इंजन ऑयल, इतना भी गर्म नहीं है लेकिन है। मैं वो थोड़ा डर गया, मेरे को लगा बहुत गर्म होगा लेकिन बताया स्लो मोशन में, बताया नीचे कर नीचे कर नीचे कर। सो फैमिली ये है उसका नट और ये है वाइसर। ठीक है, और इंजन ऑयल देखो कितना काला हो गया है, ये देखो बहुत काला हो गया है, ये देखो आपको दिखा है इसमें काला काला डक हो गया है बिल्कुल। सो इसकी जो 1 लीटर की जो कैपेसिटी है यूनिकॉर्न की, उससे थोड़ा कम लग रहा है, 100 ml का थोड़ा कम लग रहा है मेरे को ऑयल इसमें, क्योंकि 1 लीटर का थोड़ा ज़्यादा आता है इसमें क्वांटिटी। सो थोड़ा कम लग रहा है। बहुत टाइम हो गया क्या दोस्त? लिया अच्छा, बहुत टाइम हो गया, इसने चेंज नहीं किया ऑयल और बहुत ब्लैक काला काला हो गया है। सो अभी हम चेंज करते हैं, मैं आपको बॉटल बता देता हूँ। सो ये देखिए बॉटल, जो ये हर जब भी चेंज करता है ऑयल तो यही डालता है, कैस्ट्रोल का एक्टिव, होंडा के लिए स्पेशल। सो अभी ये का 10W30 का है ये। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी, इसे कहा जाता है 10W30 को, मतलब कितना इस टेम्परेचर पे चलना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए। अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा आपको, नेक्स्ट चाहिए होगा तो कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं चेंज। सो फैमिली हमने क्लीन कर लिया इस नट को, क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि जो ब्लैक ऑयल लग रहता है इसको लग के, सो करके क्लीन करना ज़रूरी है। अभी हिलाते हैं थोड़ी गाड़ी और किक मारते हैं, किक मारने से क्या होगा, जितना भी बचा होगा वो निकल जाएगा।
चलिए अभी मारते हैं किक। आपने अगर क्लच दबा के भी किक मारी तो भी चलता है। सो किक मार रहे हैं अभी। देखो अभी नीचे गिर रहा होगा, बूंद तो गिर रही होगी। है गिर रही है, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा शायद। सो बहुत हो गया, ज्यादा नहीं मारना किक भी। अगर आपको चालू रखनी होगी गाड़ी तो सिर्फ एक मिनट के लिए रख सकते हो। सो उससे भी क्या होगा, इंजन ऑयल थोड़ा गिरेगा तो चलेगा। एक मिनट उससे ज़्यादा मत रखना क्योंकि इंजन पे प्रेशर आ सकता है, क्योंकि उसमें इंजन ऑयल नहीं होने के कारण इंजन पे प्रेशर आ सकता है। ठीक है, सो अभी थोड़ी सी देखते हैं आगे पीछे करके कुछ निकलता है क्या। कुछ भी नहीं। सो ये सब ख़त्म हो गया है, निकाल लिया सब ऑयल इंजन में से। सो अभी करते हैं इसका रिफिल ऑयल का, तो चलिए मेरे साथ। सो फैमिली, ये जो पाना हमने लिया था नट खोलने के लिए, ये है 12 नंबर का पाना लगता है ये नट को। ठीक है, ये ऐसे फिट हो जाता है इसमें और इसको अपन ने निकाल लिया इसको। ठीक है, और ये है वाइजर इसके ऊपर का, और ये क्लीन हो गया पूरा नट। सो ये 12 का पाना है। ये देखो अभी भी उसका ऑयल गिरना शुरू ही है। सो फैमिली अभी इसको पोंछ लेते हैं। ये जो पूरा ऑयल यहाँ पे आ गया है इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको अपन। ठीक है, पूरा ऑयल हो गया है ये। ठीक है, इसमें भी थोड़ा इसको भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, हमने अभी आपको ये जो वीडियो देख रहा है ये हम आधा घंटा रुकने के बाद, मतलब ये तो भी ऐसा ड्रॉप ड्रॉप चालू था इसका गिरना, तो इसलिए हम आधा घंटा रुके। फिर इसके बाद में अभी इसको नट वापस लगा रहे हैं और फिर हम इसमें ऑयल भरेंगे। सो ये हो गया सब क्लीन, नट भी हो गया क्लीन अपना। सो फैमिली इसको पहले हाथ से ही लगाते हैं, और ये वाइसर जो है इसको लगा के ही रखना, इसको निकालना नहीं, क्योंकि इसे ऑयल लीक नहीं होता है। ठीक है, सो अभी लगाते हैं इसको, बराबर लगाते हैं, इसको साइड कर देते हैं, नहीं तो ये नट अगर इसमें गिर गया तो वापस मेरे को पोंछना पड़ेगा। इसको अभी टाइट करते हैं अपन। कभी कभार क्या होता है, पाना थोड़ा टेढ़ा लग जाता है, तो टेढ़ा मत लगाना क्योंकि नट भी टेढ़ा ही लग सकता है। ये ऐसे लग जाता है कभी कभार, ये ऐसे टेढ़ा लग जाता है। सो इसको उंगली बराबर ऊपर करके फंसाना, फिर इसको टाइट करना। ठीक है, नहीं तो नट टेढ़ा लग सकता है, ज़्यादा भी टाइट मत करना। बस जम गया, ओके, चांगला टाइट कर। सो दोस्त बोल रहा है चांगला टाइट कर, निकल जाएगा, उसको डर लग रहा है नया इंजन ऑयल खराब हो जाएगा, उसको डर लग रहा है, तो इसलिए और टाइट करते हैं वो कह रहा है। तो भाई जिम्मेदारी हमारी नहीं, फिर निकला नहीं तो। ओके, टाइट हो गया। सो फैमिली कभी भी आप ये इंजन ऑयल लो तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना, और यहाँ पे 364 रुपीज़ दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये डिस्काउंट में पड़ा हमको 320 रुपीज़ में होलसेल में। ठीक है, होलसेल रेट में तो अच्छा पड़ा है। यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कैस्ट्रोल एक्टिव अच्छा ऑयल है। मेरा दोस्त काफ़ी अभी जब से ली तब से यही ऑयल इंजन ऑयल यूज़ कर रहा है, और उसको काफ़ी अच्छा एवरेज मिला है इस इंजन ऑयल से। आप भी ट्राई करके देखना। ठीक है, तो अभी पोर करते हैं और खोलते हैं नट। हाँ, सो फैमिली इसकी जो ये मुंडी है ना, सो ये थोड़ी टेढ़ी होने के कारण ये यूज़फुल होता है, इसमें ज़रूरी है आपको ये मुंडी लेनी पड़ती है। ठीक है, इसको मुंडी कहते हैं, और फिर इस मुंडी को अपन इसमें डालेंगे और इसमें पोर करेंगे, जैसे कि अपन ने बुलेट में किया था। ठीक है, सो फैमिली ये बहुत टाइट होने के कारण हम हाथ से नहीं निकाल पाएंगे, तो इसे हम इससे निकालते हैं। ये भी बीच में आ रहा है भैया, खुल गया। सो ये खुल गया है, और ये है ऑयल चेक करने के लिए। सो आप कभी भी ऑयल चेक कर सकते हो इस पर। सो अगर ये यहाँ तक होगा मतलब ये फुल है। ठीक है, सो इसे ये अगर इससे अगर नीचे होगा तो ये इसमें इंजन ऑयल कम है। ठीक है, हमने चेक नहीं किया था,
तो भी मेरा दोस्त बोल रहा था कि इसमें थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, तो इसलिए हमने ये चेंज कर दिया। सो कितने 5000 किलोमीटर के बाद में हम ये इंजन ऑयल चेंज किया है, तो भी कोई तकलीफ है नहीं इसमें। सो अभी करते हैं चेंज। सो फैमिली अभी ऑयल डालेंगे और इसकी लेवल चेक कर लेंगे, क्योंकि इसे अभी पोंछ लेता हूँ मैं, फिर इसको जब मैं ऑयल डालूँगा तब चेक करेंगे कितना इसका लेवल आता है, तो पता चलेगा इसमें फुल है कम है ज़्यादा है। तो वो 1 लीटर की बॉटल है, 1 लीटर पूरा का पूरा इस गाड़ी में जाएगा। तो चलिए अभी। सो फैमिली इसको खोलने के लिए अपने को जिम करना पड़ता है, बहुत ताकत लगती है ये खोलने के लिए। सो अभी देखिए जिम हो गया है मेरा, मैंने अभी डंबल्स उठाए, तो अभी इसे खोलते हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि ये ओरिजिनल है, तो मतलब अगर ये पैकेजिंग पे कैस्ट्रोल है तो ये ओरिजिनल है, ठीक है। सो अभी इसे खोलते हैं। सो अभी इसको हम डालते हैं धीरे धीरे, ये बहुत टेढ़ा टूढ़ा है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे पकड़ते हैं और फिर डालते हैं, ठीक है भैया। इसका जो चिकनाहट है ऑयल की अच्छी है, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है ऑयल, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, क्योंकि हमारा जो वीडियोग्राफर है वो थोड़ा सा भयका हुआ लग रहा है आज, ठीक है। एकदम धीरे धीरे डालना, घाई मत करना डालने की, क्योंकि गिर भी सकता है। सो एक बूंद भी गिरा तो भी अपना ही नुकसान है, दूसरे का नुकसान नहीं है। देख लो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी, ये खत्म, टाटा बाय बाय, गया। बाबर अभी देखो दोस्तों, नीचे से कुछ लीकेज हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है ना। सो ये मेरा दोस्त बोल रहा है कि तूने नट लगाया कि नहीं बराबर, मैंने कहा देख ले भाई, अपने को अपने पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन दोस्त को नहीं रहता, साला दोस्त रहती अभी क्या बोलो। मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। अभी इसका जो नट है वो बंद करते हैं, और फिर इसकी इंजन ऑयल की जो लेवल है वो चेक करते हैं, ठीक है। सो हमने ये अभी पूरा क्लीन कर लिया है, तो इसे अभी बंद करते हैं हम, और ये जो पुराना यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है ऑयल, इसे भी क्लीन करते हैं कपड़े से अपने। हाँ, अगर आपको पुराना ऑयल दिखा तो इसको क्लीन कर लेना। ये अपने क्लीन कर लिया है, अभी ये इसको इसमें डालते हैं और बंद करते हैं, ठीक है। आप लोगों को फंसा रहा है ये देखो, ठीक है। तो अभी 2 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी, क्योंकि वो फ्लो होने के लिए गाड़ी में। भाई मेरे तरफ दिखा, मेरे तरफ, हाँ, क्योंकि वो टेढ़ा मत करना, हाँ, लैंडस्केप रहने दे। सो क्योंकि वो जो ऑयल है वो फ्लो होना चाहिए पूरी इंजन ऑयल में, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी को किक मार के। चाबी किधर है भाई? चाबी उधर है। सो फैमिली अभी किक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नया नया इंजन ऑयल डाला है हमने। वाह, एक ही किक में चालू हो गई गाड़ी। सो अभी से कम 5 मिनट तो भी चालू रखेंगे, और फिर आपको मिलता हूँ आफ्टर द ब्रेक, 5 मिनट्स लेटर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो फैमिली ये जो पुराना ऑयल था अपना, ये हमने इसमें भर लिया है। सो आपको दिख रहा होगा ये जो लेवल है, देखो ये बहुत काफ़ी कम है, 200 ml तो कम है इसमें। मतलब इसकी गाड़ी टोटल 5000 नहीं चली है, 7000 चली है, क्योंकि इसने ये मेरे को बोल रहा था कि मैंने 5000 नहीं 7000 चलाई ये गाड़ी को, तो इसने ये 7000 गाड़ी चलाई, तो भी ज़्यादा कम नहीं हुआ ऑयल, इंजन ऑयल, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं हुआ, क्योंकि इसी गाड़ी 17000 चल गई है, इसने चेंज किया था 10000 किलोमीटर पे, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा ऑयल है, काफ़ी अच्छा चली गाड़ी भी। सो वही कहना था, और ये जो पुराना ऑयल रहता है इसे फेंको मत, क्योंकि एनवायरनमेंट ख़राब होता है,
तो जिसका भी मैकेनिकल का शॉप होगा उसको दे दो, क्योंकि वो सर्विसिंग के वक्त जो ब्रेक है इसमें है वो लुब्रिकेशन के लिए ये ऑयल उसमें डालेगा, ठीक है। सो वही, सो फैमिली अभी करते हैं लेवल चेक। हमने 5 मिनट चालू रखी थी गाड़ी, हो गया है 5 मिनट, अभी लेवल चेक करते हैं इसकी। सो लेवल फुल है, ये देखो पूरा भर के आ गया ऑयल से, और वो भी फ्रेश ऑयल से, ठीक है। ये देखो बिल्कुल काला नहीं है, ब्लैक नहीं है, देखो पूरा क्लीन है, देखो पूरा वाइट वाइट ऑयल है, काफ़ी अच्छा ऑयल हो गया। अभी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलेगी, ठीक है। और बाकी ये फुल सर्विसिंग है गाड़ी की, नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, तो इसलिए बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर ये वीडियो पसंद आई होंगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। एंड कोरोना पॉजिटिव हो गए तो घर पे ही रहिए, सेफ रहिए। सो वही दुआ है, आप अच्छे हो जाइए, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।